विरोध कौन पाई करा जाउछि से मौलिक अधिकार को आमे केबे भी क्षुण्ण होबा को देबा नाही यूसीसी को विरोध करबा पछरे किछि निर्दिष्ट मोटिव रहउछि कि विरोधी कर राजनीतिक व्यक्ति होंतु बा राजनीतिक दल से माने भावुचंती यहा द्वारा से मानकर वोट बैंक प्रभावित होबो जो नियम किबा जो लॉ कथा कुहा जाउछि यार पृष्ठभूमि कोन रहिछि मात्र यहा एक असमानता सृष्टि करुछि समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड बा समान नागरिक संहिता बिल याकु नहीं कि पूरा देश रे जोरदार चर्चा एवं आपण समस्ते जानी उत्तराखंड रे गत काली ही विधानसभा रे ए बिल पारित हो सारी एवं केवल राज्यपाल एवं राष्ट्रपति अनुमोदन को अपेक्षा रही जदि सबकि ठीक ठाक चले ताहले उत्तराखंड ही हेबो स्वाधीन भारतर प्रथम राज्य यूसीसी को लागू करेबारे किंतु देश सारा या विरोध कौन पाई करा जाउछि आमर यूसीसी को विरोध करने पछरे किसी निर्दिष्ट मोटिव रहुचि कि विरोधी कौन पाई यूसीसी रो आवश्यकता अच्छी यूसीसी को विरोध कौ प्रसंग में अधिक आलोचना करवा मो सहयोगी बरेन्द्र बर्तमान आम सहित अच्छा बरेन्द्र टी आप जानवाक चाहिए यूसीसी समान नागरिक संहिता बिल जहाँ को लेकिन पूर्व भी चर्चा होता कि एनडीए सरकार या लागू करने को जाऊँच विरोधी या कि गृह में प्रबल हो हल्ला करते एवं उत्तराखंड सरकार तो लागू करने को जाऊँच कौन लगुच को यार आवश्यकता आम देश में कत दूर देखंतु आम समस्ते भारत भारतर नागरिक एवं आमर संविधान भारतर संविधान तार नागरिक मानको किछटा मौलिक अधिकार दैछि से मौलिक अधिकार को आमे केबे भी क्षुण्ण होबा को देबा नाही ता से अधिकार भी आम ठारु केही छडाई नै पारिबे नाही जदि इमित भी परिस्थिति हैछि मौलिक अधिकार को सुरक्षा सुरक्षित रखिबा को नागरिकों को अदालत को जीवा पड़ी से राज्य सरकार विरोध में हो केन्द्र सरकार विरोध में हो अदालत को जीवा पड़ी मन करूँ जड़े व्यक्ति केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अधीन चाकरी करोग्यता आधार में प्रतिजोगितामूलक परीक्षा दे से चाकरी करते चाकरी प्रति आँच आसूची से मध्य राज्य सरकार विरोध में केन्द्र सरकार विरोध में केस करुँचान डिग्री आणुंटे मैटर सिविल कोर्ट को जाऊँ सिविल मैटर से आसूँ से ही भाई आम जब क्रिमिनाल मैटर को देखा जदि कौन व्यक्ति विरुद्ध गोटे अपराधिक अभोग आसूची से अपराधिक अभोग मुक्त हाँपाई कौन क्रिमिनाल कोर्टे कोर्ट को जवाक पड़ू क्रिमिनाल कोर्ट रु से तार न्याय पाँच दोषी हो निर्दोष पर कोर्ट कौन गोटे स्वतंत्र आईन व्यवस्था रही आईन व्यवस्था अनुसार कोर्ट घटना विचार कर एठी पड़ी यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा केवल व्यक्तिर सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता व मौलिक अधिकार कथा पड़नी बेले बेले व्यक्तिर पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन वैवाहिक जीवन भरण पोषण कथा जो उठे पोष्य संतान ग्रहण कथा जो उठे या कि बेले बेले समस्या सृष्टि हुए ये समस्या को लेकिन भी लोक कोर्ट को जाती तेणु जिते कोर्ट को जाती से गोटे मन करूँ अभोगकारी जहाँ समस्या अच्छी से कौ संप्रदायर जदि हिंदूर हिंदू पर्सनाल लॉ कोड को फॉलो करा बा मुस्लिम मुस्लिम पर्सनाल लॉ कोड को फॉलो कर गोटे कथाटी आमको देखा पड़ो जदि आम आम मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखापी गोटे समान आईन को अनुसरण करुचे किंतु जो व्यक्तिगत कथा आसी जाऊँगी से आम आम धर्मीय आईन व पर्सनाल कोड को फॉलो करुचे मो मत यह एक असमानता सृष्टि करुच समाज में तेणु यूनिफॉर्म सिविल कोड रो आवश्यकता निहाती रही ता माने धर्मीय कथा आपण कहिले ता सहित विवाह संपर्कित जते गुडी आईन आम देश में भी प्रचलित होउची आम देश में समस्ते वर्तमान अनुभव करुछंती एबे समय आसी जाइछि यूनिफॉर्म सिविल कोड रो लागू उपर समस्ते गुरुत्व देउछंती किंतु केते जण अछंती विरोधी माने जेबिति बारंबार याकु विरोध करुछंती उत्तराखंड सरकार तो एबे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करबा को जाउछंती आर आवश्यकता को समस्ते अनुभव करुछंती किंतु आपण माने जानिछंती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ए टर्म टे आसिला केउठु एवं ए जे जो नियम किबा जो लॉ कथा कुहा जाउछि यार पृष्ठभूमि कौन रही से नहीं अधिक आलोचना करवा बरेन्द्र पृष्ठभूमि कथि आप दर्शक मानक यूनिफॉर्म सिविल कोड रो देखु आम जदि रोमन सिविलाइजेशन बा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखा सेते रोम सभ्यतार एक प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाई मेसोपोटामिया से उर नामु नामक एक
ल कोड से फलो करुले उर्नाम होची विश्वर सबुठारु प्राचीनतम आईन ग्रंथ तेनाली द्वितीय ये पर्सनाल ल कोडा मुख्यतः जाति संप्रदाय धर्म एवं भौगोलिक स्थिति आधार रही है। जदि आम आम देशर कथा देखा उत्तर पूर्व राज्यर नागालैंड कथा कहतु मिजोराम कथा कहतु मेघालय कथा कहतु सेठे कौन अच्छी ना निश्चित रूपे एक्जिस्टिंग ल तो भारत में जहाँ अच्छी सेटा अच्छी किंतु प्राधान्य दि जाऊक से प्रथा परंपरा आधारित आईन कानून को टे प्राधान्य दि जाऊँगी। यूनिफर्म सिविल कोड को विरोध कर एकमात्र कारण हूँ जे संख्यालघु संप्रदाय से धर्मर हूँ बा हिंदू धर्म भी अच्छा कौन संख्यालघु से भावुं कौन से भावुं जदि यूनिफर्म सिविल कोड लागू करा जाए सारा देश में तेबे से धर्मीय स्वाधीनता धर्मीय भावना एवं धर्मीय विश्वास प्रभावित हो संख्या गरिष्ठ धर्म से मानते भारी पड़ जहाँफल से विरोध करुंतु जदि यहाँ आम देखा आईनगत दृष्टिकोण रू देखा तेरे यह केवल एक समाज संस्कारमूलक पदक्षेप यह पचर अन्न कि राजनैतिक उद्देश्य ना हाँ राजनैतिक उद्देश्य अच्छी जोटा आप कह विरोध जमी मैंने कर धर्मीय भावना को आंस आस कि धर्म प्रभावित हो बोली से जो मैंने विरोध कर राजनैतिक दल मैंने भावंजे से वोट बैंक पॉलिटिक्स कर राजनैतिक व्यक्ति हूँ बा राजनैतिक दल से भावुंतारा से वोट बैंक प्रभावित हो तेणु मैंने विरोध कर यूसीसी की विरोध कर वोट बैंक को सुरक्षित रखा चाहते किंवा से वोट बैंक को बढ़ावा चाहते जहाँफल यहीटा हूँ विरोध। अच्छा आपण मेसोपोटामिया सभ्यता कथा कहते रोम सभ्यता कथा कहते किंतु आम देश में यार प्रचलन केवठूला आम देश में या आईन में परिणत करने ये जो विधि व्यवस्था करवा कि गोटे माइंडसेट गोटे क्रिएट करने ये जो पूरा व्यवस्था ये व्यवस्था कार्यकारिता के देखु 2014 जेतेले मोदी सांग नेतृत्वाधीन बीजेपी क्षमता को आसला केन्द्र में सेबे ठारु यूसीसी यूनिफर्म सिविल कोड गोटे बजवर्ड हो कहले अत्युक्ति हेबना किंतु आम एटाक केबे भाविबा नाही जे यूनिफर्म सिविल कोड मोदी सांग परिकल्पना किंबा तांकर उद्भावन यूनिफर्म सिविल कोड जेतेले आमर 1948 कथा कहिबा 1948 रे जेतेबेले आमर संविधान प्रणयन संविधान प्रस्तुति जिते संविधान सभा बसी से यूनिफर्म सिविल कोड कथा उठी एवं यूनिफर्म सिविल कोड को लेकिन सेत संविधान सभार जो सदस्य थे से गांधी हूँ बा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर हूँ बा नेहरू हूँ से सपक्ष किंतु सेतबाद या लागू करवा संभव है ना कहीं आर एकमात्र कारण हूँ देश स्वाधीन हो जस्ट देश स्वाधीन हो प्रथम चैलेंज था देशर आर्थिक स्थिति की किमिति सुधार सुधारिबा से गोटे समस्या थिला। द्वितीय रे किछि मुस्लिम अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान को पळैले एवं भारत रे अल्प किछि मुस्लिम रही गेले जो माने रहिले से माने कहले बोथे यूनिफॉर्म सिविल कोड आणि कि आमको प्रथम रे से माने टार्गेट करिया पई चाहुचंती तनु ए जोटो राजले विरोध हला सेतेबेले महात्मा गांधी कहले ना वर्तमान यहाँ लागू करिया संभव नुहे नेहरू विषय फिल कले लागू करा या गोटे स्वतंत्र गोटे मानने सुइटेबल ग्राउंड क्रिएट कर तेणु यह संविधान धारा 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एको रखि दिगला से कहगला जे भविष्य में जेकोसी सरकार परिस्थिति देखि एवं सहमति आधार में यह आईन में परिणत कर लागू करमित कि बाध्यबाधकता ना तेणु यटा को रखि दिगला 1950+ नेहरू जिते प्रधानमंत्री थे आईन मंत्री थे किए डॉक्टर बी आर आम्बेदकर से किटा इनिशिएटिव आरंभ करते जोटा कि आपड़ कही पारे 1956 हिंदू पर्सनल लॉ रे किटा चेंजेस आनी मैरिज एक्ट सक्सेशन एक्ट एम चार खंडे आनी जिते आनले से विरोध करागला हिंदू कम्युनिटी कहले जे समाज संस्कार ना हिंदू धर्म को कर टारगेट जहाँ को डॉक्टर सेत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेहरू को कही जेकोसी जिनस गोटे लागू करा पूर्व गोटे निष्पत्ति ना पूर्व भल रकम अनुधान कर तार कौन प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव रोचे है ठीक अच्छे से मैटर गला जहा हूँ से हिंदू पर्सनाल ल कोर्ट कि संशोधन अणागला 1980 आपणकर मन थी साइरा बानु मामला आसला साइरा बानु जो मुसलिम महिला जे कि
40 ବିବାହର 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଲେ ବିବାହର 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଲେ ଭରଣ ପୋଷଣର କଥା ଉଠିଲା ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସାଇରା ବାନୁ ମାତ୍ର 3 ମାସର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସେ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ 40 ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଯାଇକି 3 ମାସର ଭରଣ ପୋଷଣ ନେଇକି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ସାଇରମାନଙ୍କ ଫରରେ ଆସିଲା ରାୟ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ କହିବା କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଇସଲାମର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ୟୁସିସି ନେଇକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ତାପରେ କ'ଣ ସାଇରା ବାନୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1986ରେ ଆଣିଲେ ମୁସଲିମ ୱିମେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାଇରା ବାନୁ ମାମଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ ମାମଲା ଆସିନି ଅନେକ ମାମଲା ଆସିଛି ନା ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବନି ଆସିବ ତେଣୁ ସେଇଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏ ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ବା ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ନିଜେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ୟୁସିସି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁସିସିକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବରେନ୍ଦ୍ର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ